समझ गए मनीषवा कश्यप कौन जात हो तनि पता करो तो बहुत सारा जानता गूगल पे सर्च मारता है और आप अपने मोबाइल में जाके सर्च मारिए अब टॉप सर्च लिस्ट में आता है मनीष कश्यप का जात। लोग आरोप लगा रहे कि मनीष कश्यप अब बिहार से ज्यादातर बाहर ही रहते हैं, मजबूरी है क्या करेंगे, तो चला गया टाटा इन्वेस्टमेंट करेगा बहुत जल्द बिहार में, लेकिन जिस दिन करेगा उस दिन हम बताएंगे, पहले बताएंगे तो लोग बोलेगा कि अरे मनीष कश्यप झूठ बोला, बाद में कहीं नहीं इन्वेस्टमेंट किया तो सरकार का नीति खराब हो गया तब मैं क्या बोलूंगा। ये चीज है, आपको पता है एक छोटा सा लड़का जो है ऐसे साधारण सा रहने वाला लड़का पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव करा दिया। सिक्स एयरबैग सिस्टम जो गाड़ियों में लागू हुआ है ड्यू टू ओनली वन रीजन, मनीष कश्यप, नितिन गडकरी जी मंत्रालय में थे अंदर और बाहर से मैं चिल्ला रहा था, नितिन गडकरी जी मेरा वीडियो देखे और सिक्स एयरबैग सिस्टम जो है एक महीना के अंदर अंदर लागू हुआ और देश का कोई भी पत्रकार सिक्स एयरबैग सिस्टम के लिए आवाज नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि मारुति सुजुकी का प्रचार आएगा जब उसी के चैनल पे, तो मारुति सुजुकी का बुराई करेगा क्या वो? तो सिक्स एयरबैग सिस्टम और दूसरा एक और चीज़ें लागू होने वाला है, फोर स्टार सेफ्टी रेटिंग के नीचे की गाड़ियां जो है भारत में बंद होने वाली है और ड्यू टू ओनली वन रीजन मनीष कश्यप। बीएसएनएल को एक नंबर पे पहुंचा दिया मैं, दिसंबर महीना में बीएसएनएल को एक नंबर पे पहुंचा दिया। प्रयास करना होगा, जब मेरा जैसा एगो टुटफुजिया मतलब कि आदमी जो है एगो गांव से जो जिसका खपरे का घर है 6 महीना बाढ़ में डूबा रहता है घर, वहां से उठ के इतना बड़ा बदलाव करा सकता है, तो सबने प्रयास किया तो क्या कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। कुछ लोग समझते हैं कि हमको बोलने नहीं आता, अरे बेहुदा साहब हम सिविल इंजीनियर हैं बाहर पढ़े हैं अंग्रेजी मीडियम से, चाहे तो अंग्रेजियों में बोल सकते हैं, लेकिन हमारे बिहार का भैयावा सब नहीं समझेगा सर तो हम काहे अंग्रेजी में बोले, और अंग्रेजी में देखना है ना बहुत सारा अंग्रेजी का न्यूज चैनल है उसको देखा करो, और शुद्ध हिंदी में देखना है ना तो बहुत सारा शुद्ध हिंदी में बोलने वाला चैनल है उसको देखा करो, हम भाई बिहारी हैं बिहारी भाषा में ही बोलते हैं। अफसरों और तमाम सरकारों को आप रेलते रहते हैं और वहीं एक आईपीएस ऑफिसर से सम्मान पाकर खुश है, क्या कहना चाहेंगे? मोबाइल जब आप खोलिएगा तो सबसे ज्यादा सिविल इंजीनियरों का ही नंबर है, पत्रकारों से भी ज्यादा, लेकिन जो गलत है सिविल इंजीनियर उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ। विधानसभा में चले जाइए और साबित कर दीजिए कि एक जाति का नेता नहीं है उसमें, हर जाति का नेता है, और सारा जो जतिया का नेतवा जो है ना इधर लड़ता है सब ना कि हाउ जाति हाउ जाति हाउ जाति, और लड़के जो है ना विधानसभा में सब एक संग मलाई खाता है। मनीष जी बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? मैं लेट्स इंस्पायर बिहार जो मुहिम चलाया जा रहा है वहाँ पे आया हूँ और बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, विकास वैभव सर के द्वारा चलाया जा रहा है और ये वही विकास वैभव सर हैं जिन्होंने एक मिनी चंबल हुआ करता था हमारे चंपारण के बगहा में, उस मिनी चंबल को ख़त्म किया, ये वही विकास वैभव सर हैं जो शायद पूरे हिंदुस्तान के पहले ऐसे आईएएस और आईपीएस दोनों का मैं मतलब ऐड करना चाहता हूँ जो मतलब ऑन ड्यूटी अभी मतलब कि रिटायर्ड नहीं हुए हैं और ज़मीन पे कुछ बदलाव के लिए प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं के कार्यक्रम में आया हूँ। अच्छा एक बात बताइए, तमाम अफसरों और तमाम सरकारों को आप रेलते रहते हैं और वहीं एक आईपीएस ऑफिसर से सम्मान पाकर खुश है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए अभी भी समाज में बहुत सारे ईमानदार लोग हैं जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हमारा राज्य और हमारा देश जो है आगे जाए, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है। जैसे मैं खुद सिविल इंजीनियर हूँ, बहुत सारे सिविल इंजीनियर से मेरा अच्छा संबंध है, मेरा मोबाइल जब आप खोलिएगा तो सबसे ज़्यादा सिविल इंजीनियरों का ही नंबर है, पत्रकारों से भी ज़्यादा, लेकिन जो गलत है सिविल इंजीनियर उनके खिलाफ मैं आवाज़ उठाता हूँ। तो ऐसे ऐसे आईएएस आईपीएस अधिकारी जो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं उनसे सम्मान पाके तो बहुत अच्छा महसूस होता है। अच्छा ये बताइए कैसे प्रेरित हो पाएगा हमारा बिहार? सबको प्रेरित करना होगा, सबको, और सबको अपने अपने हक का लड़ाई लड़ना होगा। सिर्फ आप 10% अपना दें, मतलब कि एक दिन में 24 घंटा होता है तो 24 घंटे का 10% जो हुआ किस रूप में आप मांगना चाह रहे हैं, मतलब कि बिहार के लिए कुछ करें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपके पास मेहनत है, आपके पास ताकत है। देखिए मेरे साथ एक आए थे विकलांग थे, 85% विकलांग है, लेकिन वो आज आर्मी में है, जबकि आप विकलांग आर्मी में बहुत रेयरली सुनते हो, रेयरली मतलब आप 99% लोग तो जानते ही नहीं है कि विकलांग आर्मी में भी जा सकता है, 99% तो वो डेडिकेटेड है। उस प्रकार से डेडिकेशन हम लोगों को बिहार के प्रति दिखाना होगा, क्योंकि बिहार जो है एक समय पूरे दुनिया पे राज करता था, सिकंदर डरता था बिहार से, पता है ये इतिहास के पन्ने को उठा के देखिए आप, सिकंदर डरता था जिस बिहार से, वो बिहार जो है आज बेरोजगारी से डर रहा है, बीमारी से डर रहा है, भुखमरी से डर रहा है, अशिक्षा से डर रहा है, स्वास्थ्य व्यवस्था जो खराब है उससे डर रहा है,
तो सबको थोड़ा बहुत प्रयास। जात पात में बटे बिहार कैसे एकत्रित हो पाएगा? अब विधानसभा में चले जाइए और साबित कर दीजिए कि एक जाति का नेता नहीं है उसमें, हर जाति का नेता है। और सारा जो जतिया का नेतवा जो है ना इधर लड़ता है सब ना कि ए हौ जाति हौ जाति हौ जाति, और लड़ के जो है ना विधानसभा में सब एक संग मलाई खाता है, सब एक संग मलाई खाता है। कैसे समझेगी? अरे जानता तो उसी के आँख पर ना पट्टी बंधल है, वही तो पटिया खोलना है। और जिस दिन अरे पता है जानता समझेगी मनीषवा कश्यप कौन जात हो तनी पता करो तो बहुत सारा जानता गूगल पे सर्च मारता है, और आप अपने मोबाइल में जाके सर्च मारिए, अब टॉप सर्च लिस्ट में आता है मनीष कश्यप का जात। आप मोबाइल में सर्च मारिए, ऑन कैमरा सर्च मारिए मनीष कश्यप का जात। जरा बताइए कि कितना बड़ा दुर्भाग्य है। जात जानकर क्या करेंगे? जात जान के मनीष कश्यप का जात सर्च मारिए, मनीष कश्यप का जात सर्च लिस्ट में गूगल रेकमेंड करता है, मनीष कश्यप का जात, कास्ट या जात जो भी आप हिंदी भोजपुरी जो मैं सर्च मारी रेकमेंड करता है। अरे रेकमेंड करता है, देखिए देख लीजिए गूगल पे भी जो है लोग लगातार सर्च करते हैं मनीष कश्यप का जात, और नीचे आता है ब्राह्मण और हिंदू होकर के आता है। अरे तो ये चीजें है, क्या मतलब है उससे यार? अगर मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा हूँ ले लीजिए, बुरा कर रहा हूँ हमें थूर दीजिए, बात खत्म। तो प्रैक्टिकली जात देखकर वो क्या करना चाहते हैं? देखिए जात देख मतलब बराई करना है तो जात देखकर करेंगे। जात देख के हमें बांट दिया जाता है, पहले तो हम लोग 100% है, 100% तो 100% 243 को विधायक पे भारी पड़ जाएंगे, कभी भी भारी पड़ जाएंगे कभी भी। लेकिन 100% को ये लोग आधा आधा परसेंट में 0.11% में हाई मलाह है, हाई कुर्मी है, हाई ब्राह्मण है, भूमिहार है, राजपूत है, हरिजन है, पासवान है। और देखिए ब्राह्मण में भी अगर आप जाइएगा ना तो उसमें भी 72 को टाइप, हाँ भूमिहार में भी जाइएगा, राजपूत में भी जाइएगा, पासवान में भी जाइएगा, SC ST में, OBC में, तो ये चीज़ें मलाई खा रहे हैं। यही चीज़ें बंद होना चाहिए, और इसी का प्रयास जो है विकास वैभव सर के द्वारा किया जा रहा है। और ऐसे बहुत सारे IAS IPS ऑफिसरों की जरूरत है जो बिहार को इंस्पायर कर सके और जमीनी स्तर पर कुछ बदलाव कर सके। लोग आरोप लगा रहे हैं कि मनीष कश्यप अब बिहार से ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं, मजबूरी है, क्या करेंगे? बिहार के बाहर अगर बिहारी परेशान है उसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे। टाटा में जाके मैंने आवाज़ उठाया था, टाटा रतन जी टाटा के कार्यालय के सामने, उन लोगों को पता नहीं है टाटा तक वीडियो चला गया है, टाटा इन्वेस्टमेंट करेगा बहुत जल्द बिहार में, लेकिन जिस दिन करेगा उस दिन हम बताएंगे। पहले बताएंगे तो लोग बोलेगा कि अरे मनीष कश्यप झूठ बोला है, बाद में कहीं नहीं इन्वेस्टमेंट किया तो सरकार का नीति खराब हो गया, तब मैं क्या बोलूँगा। ये चीज़ है, आपको पता है एक छोटा सा लड़का जो है ऐसे साधारण सा रहने वाला लड़का पूरे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव करा दिया। 6 एयरबैग सिस्टम जो गाड़ियों में लागू हुआ है ड्यू टू ओनली वन रीजन, मनीष कश्यप, नितिन गडकरी जी मंत्रालय में थे अंदर और बाहर से मैं चिल्ला रहा था, नितिन गडकरी जी मेरा वीडियो देखे, और 6 एयरबैग सिस्टम जो है 1 महीना के अंदर अंदर लागू हुआ, और देश का कोई भी पत्रकार 6 एयरबैग सिस्टम के लिए आवाज़ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि मारुति सुजुकी का प्रचार आएगा जब उसी के चैनल पे, तो मारुति सुजुकी का बुराई करेगा क्या वो? तो 6 एयरबैग सिस्टम। और दूसरा एक और चीज़ें लागू होने वाला है, 4-स्टार सेफ्टी रेटिंग के नीचे की गाड़ियां जो है भारत में बंद होने वाली है, और ड्यू टू ओनली वन रीजन मनीष कश्यप। BSNL को 1 नंबर पे पहुंचा दिया मैं, दिसंबर महीना में BSNL को 1 नंबर पे पहुंचा दिया। प्रयास करना होगा, जब मेरा जैसा एगो टुटफुजिया मतलब कि आदमी जो है एगो गांव से जो जिसका खपरे का घर है 6 महीना बाढ़ में डूबा रहता है घर, वहां से उठ के इतना बड़ा बदलाव करा सकता है, तो सबने प्रयास किया तो क्या कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। ये सवाल हम ये लेना चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण की बात बिहार में होती रहती है, उस दौरान बाहर से दूसरे कंपनी बिहार में आकर इन्वेस्टमेंट क्यों करेगी जब यहाँ भी आरक्षण को वाला बात है? आप लोगों को नहीं पता है केंद्र में कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार को कोई नहीं चाहता है कि बिहार डेवलप हो। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि वो लोग चाहते हैं बिहार अनडेवलप रहेगा, मजदूरों का राज्य बना रहेगा, तो इस देश का दूसरे राज्य में सस्ते मजदूर मिलते रहेंगे, और सस्ते मजदूर मतलब बिजनेसमैन को फायदा, इसलिए जानबूझ के बिहार को जो है ना अनडेवलप करके रखा जाता है। और कुछ लोग समझते हैं कि हमको बोलने नहीं आता, अरे बेहुदा साहब हम सिविल इंजीनियर हैं, बाहर पढ़े हैं अंग्रेजी मीडियम से, चाहे तो अंग्रेजियों में बोल सकते हैं, लेकिन हमारे बिहार का भैयावा सब नहीं समझेगा सर, तो हम काहे अंग्रेजी में बोले? और अंग्रेजी में देखना है ना, बहुत सारा अंग्रेजी का न्यूज चैनल है उसको देखा करो, और शुद्ध हिंदी में देखना है ना तो बहुत सारा शुद्ध हिंदी में बोलने वाला चैनल है उसको देखा करो, हम भाई बिहारी हैं, बिहारी भाषा में ही बोलते हैं। अच्छा प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण के बात को लेकर क्या कहना चाहेंगे? बर्बाद कर रहा है लोग। आप पहले इंडस्ट्री तो लेके आए, इंडस्ट्री लाने से पहले जो है ना इंडस्ट्री को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। कुछ लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को बहुत बुरा लगेगा, सच्चाई ये है कि ओवरऑल बिहार का डेवलपमेंट कोई नहीं करना चाहता है, बर्बाद करना चाहता है बिहार को,
यही सच्चाई है। प्रयास हमें करना होगा बिहार को सुधारने, चाहे वो किसी भी कास्ट के हों। मैं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के विधानसभा क्षेत्र में गया था, वहाँ पे एक मोची जो है वो जूता सिल रहे थे। मैं देवरिया में गया था, वहाँ पे एक पिता और बेटा दोनों जो है जूता सिल रहे थे। मैं बोला कि आप लोगों तक आरक्षण क्यों नहीं पहुँचा। सच्चाई ये है कि इस देश में जो है ना बहुत सारे दरिंदे हैं जो आपका हक मारने के लिए तैयार हैं, और जिस दिन आप समझ जाएंगे कि कौन आपका हक मार रहा है, पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा आपका रहनुमा ही सबसे बड़ा कातिल निकला। बहुत धन्यवाद मनीष भाई हमसे बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को भी लाइक कर ले।